हेलो फ्रेंड्स, एज वी नो दैट पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी इज अ बिग कंसर्न जो खासतौर पे हमारे क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए उनके ट्रीटमेंट में चैलेंजेस क्रिएट करता है। और डिफरेंट स्टडीज हैं जो डिफरेंट एकेआई के इंसिडेंसेस को पॉलीमिक्सिन बी के साथ रिपोर्ट करती हैं। तो ऐसा ही एक डाटा हमने इस बार के एलबीएल में ऐड किया है जिसमें पॉलीमिक्सिन बी के साथ एसोसिएटेड किडनी इंजरी 11.8% निकल के आई है। तो एज पर दिस रिपोर्टेड डाटा पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी 11.8% जो कि एक इंडियन डाटा है, इंडियन पेशेंट्स के ऊपर ये स्टडी हुई थी। नाउ अब ये जो नंबर है 11.8% ये थोड़ा सा कम लग सकता है, बट स्टिल अगर 12% पेशेंट्स में भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है विद पॉलीमिक्सिन बी तो अपने आप में ये एक बड़ा कंसर्न बन जाता है, क्योंकि 12% पेशेंट्स, 100 में से 12 पेशेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें एकेआई होगी विद पॉलीमिक्सिन बी एज पर दिस डाटा। अब ये जो पेशेंट्स हैं जिन्हें पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी होती है उनके फर्दर रीनल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट हो सकता है लंबा चले, हॉस्पिटल स्टे उनकी बढ़ जाएगी, अदर कोमोर्बिडिटीज बढ़ सकती है, इवन मोर्टेलिटी का रिस्क भी बढ़ सकता है। इवन अगर पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद भी स्टडीज हैं जो ये रिपोर्ट करती हैं कि ऐसे पेशेंट्स को जिन्हें पॉलीमिक्सिन बी के साथ एकेआई हुई और उनके ठीक होने के बाद भी क्रोनिक किडनी डिजीज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है जो अल्टीमेटली उनके एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट करेगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे ऐसे पेशेंट्स में जिन्हें पॉलीमिक्सिन बी के साथ किडनी इंजरी होती है, और अगर डॉक्टर्स विलीमिक्सिन यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये जो 12% का नंबर है वो डेफिनेटली काफी कम रहने वाला है और काफी सारे पेशेंट्स होंगे इनमें से जिन्हें किडनी इंजरी नहीं होगी विद दी विलीमिक्सिन थेरेपी। तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में जिन्हें विलीमिक्सिन की थेरेपी के साथ किडनी इंजरी नहीं होती है, पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी नहीं होगी, उनको दूसरे रीनल कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे एंड अल्टीमेटली पेशेंट के आउटकम्स इंप्रूव होंगे। तो डेफिनेटली ये उन पेशेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द रैशनल ऑफ एडिंग दिस डेटा कि 11.8% या 12% जो भी पेशेंट्स हैं जिन्हें पॉलीमिक्सिन बी थेरेपी के साथ एकेआई के इंसिडेंसेस आ सकते हैं जिनमें, तो डेफिनेटली ये नंबर काफी रेलेवेंट हो जाता है और डॉक्टर्स डेफिनेटली वैल्यू करेंगे कि विलीमिक्सिन के यूज की वजह से अगर एकेआई नहीं होती है तो डेफिनेटली ये पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा और डॉक्टर्स भी इसे वैल्यू करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।